बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है इंसदादी दहशतगर्दी के अंदर जो है ज़बरदस्त किस्म की सीटों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इंसदादी दहशतगर्दी जो है पंजाब पुलिस का एक इदारा है, जिसमें तकरीबन 467 सीटों की जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। पूरे पंजाब से आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी दरकार है, कम से कम तालीम कितनी होनी चाहिए और तनख्वाह कितनी है, ये सब जानने से पहले हम रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। जी तो डियर फ्रेंड्स, आज की डेट के अंदर जो है ये सीटें अनाउंसमेंट हुई हैं और यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 11वीं स्केल की ये सीटें हैं। कुल सीटें यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, 467 सीटें हैं। और अगर तनख्वाह की बात करता चलूँ तो ज़बरदस्त किस्म की जो है सैलरी है, 54,500 रुपये पर मंथ आप लोगों की सैलरी होगी। इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों तरह के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। तालीम की अगर मैं बात करता चलूँ तो बैचलर्स डिग्री वाले, BA, BSc, BS फोर ईयर प्रोग्राम, MA, MSc वाले सब लोग जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मर्द हजरात का कद अगर यहाँ पे बात करता चलूँ 5'7" होना चाहिए, और अगर चेस्ट की बात करता चलूँ 33 से 34 के करीब जो है आप लोगों की चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल की कद की अगर बात करता चलूँ 5'2" कद आप लोगों का होना चाहिए। अगर नज़र की बात करता चलूँ तो 6x6 आप लोगों की जो है दीद होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। अब अगर एज की बात करते चलें तो 18 से लेके 25 साल तक जो है मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल 18 से लेके 25 साल तक जो है फीमेल जो है अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पंजाब से आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का जो डोमिसाइल है वो पंजाब से होना चाहिए, यानी पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेपर आप लोगों का जो है 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा, 90 मिनट्स होंगे आप लोगों के पास इस पेपर को अटेम्प्ट करने के। पेपर आप लोगों का कहाँ कहाँ से बनेगा, जनरल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, इसके अलावा जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक और इसके जो फंक्शंस वगैरह हो गए, टेररिज्म, नेशनल एक्शन प्लान एंड बेसिक ऑफ एंटी टेररिज्म लॉज इन पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज से, जिसमें सेनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंसेस करेक्शन, कंप्लीएशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स, कंप्यूटर के मुतालिक आप लोगों से सवालात, एमएस ऑफिस के मुतालिक, इंटरनेट ईमेल वगैरह के मुतालिक जो है आप लोगों को सवालात दिए जाएंगे। अप्लाई की लास्ट डेट नोट कर लें, 12 जुलाई 2024 तक जो है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है www.ppsc.gov.pk। स्पेलिंग आप लोगों ने अच्छी तरह नोट कर लेनी है, स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके फौरी बाद आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन आ जाएगा। इसके फौरी बाद आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके फौरी बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो है फर्स्ट जो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है कारपोल की है, आप लोगों ने जो है कारपोल पे क्लिक करना है। ये तो डियर फ्रेंड्स, उसके फौरी बाद जो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है आई कन्फर्म पे, आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। आप लोगों के सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके फौरी बाद जो है इस तरह का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है डैशेज के साथ, और यहाँ पे जो है बगैर डैशेज के साथ जो आप लोगों ने पुट करना है, और उसके फौरी बाद जो है आप लोगों ने प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जी तो डियर फ्रेंड्स, इसके फौरी बाद जो है आप लोगों के सामने इस तरह की इंटरफेस स्क्रीन आ जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, एंड पे आप लोगों को नजर आता है प्रोसीड, तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। लेकिन याद रहे, इसकी जो फीस है अप्लाई करने की वो 600 रुपये है, जो आप लोगों ने गवर्नमेंट बैंक में जो है पंजाब बैंक में या स्टेट बैंक में लाजमी तौर पे जमा करवाने हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन आ जाता है। यहाँ से जो आप लोगों ने क्लिक करना है मेल है या फीमेल है, जो भी आप उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों ने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है। इसके फौरन बाद जो है यहाँ से आप लोग चूज करेंगे, अगर आप लोग जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप लोग जो है स्पेशल पर्सन हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके फौरन बाद जो है नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है जी, आर यू रिटायर्ड आर लिस्ट आर्म्ड पर्सन, अगर हैं तो यस पे
क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके फौरी बाद जो लास्ट में आप लोगों के पास ऑप्शन है, लास्ट में आप लोगों को नजर आता है प्रोसीड का, आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। डियर फ्रेंड्स, इसके फौरी बाद जो आप लोगों के पास जो है फी वाउचर आ जाएगा, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, उसे जो बैंक में पे करना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड कर देनी है। वो अपलोड करने के बाद आप लोगों ने जो क्वालिफिकेशन है, आप लोगों की जो तालीमी सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। अगर आप लोग जो है कहीं पे कोई सर्विस कर चुके हैं, कहीं पे कोई जॉब कर चुके हैं, तो आप लोग जो वो अटैच कर दें, अगर नहीं तो वो जो है ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके फौरी बाद जो है लास्ट में आप लोगों के पास लिंक आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिट का, आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है और इस तरह से जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और अगर आप लोगों को अप्लाई का तरीकाकार नहीं आता तो आप लोग जो है हमसे अप्लाई करवा सकते हैं, मुनासिब सर्विस चार्जेस लिए जाएंगे। मजीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।